नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 269 अंकों की उछाल के साथ खुला। देश में कोरोना के 2,59,000 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 4,209 लोगों की हुई मौत। 12 राज्यों में ब्लैक फंगस ने ली दस्तक, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा महामारी घोषित करे। मोमिनपुरा में फिर हंगामा, देर रात तक चली कार्रवाई, 4 रेस्टोरेंट पर चढ़ा ताला। शहर में एक्टिव केस हुए काफी कम, जिले में 94% हुआ रिकवरी रेट। बीते 24 घंटे में शहर में 28 की हुई मौत, 1,151 नए पॉजिटिव आए सामने, 3,405 हुए स्वस्थ। सफाई कर्मी ने किया अधिकारी पर हमला, काम से निकाले जाने के बाद डंडे चाकू से किया वार, गणेशपेट थाना अंतर्गत का मामला। सीएम ने की खरीद समीक्षा, ऑनलाइन बैठक में ली जानकारी। यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, बिना कोरोना टेस्ट के न करें रेल यात्रा। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हो रहे परेशान, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नहीं मिल रही कॉपी और किताबें। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।